1 अप्रैल 2020 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का बीमा कवच सभी शासकीय सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा। प्रदेश के कुल 12,55,000 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल 288 रुपए की मेडिकल सुविधा प्राप्त होती थी। इस बीमा योजना के लागू होने पर 1 अप्रैल से ओपीडी के लिए 10,000 की मेडिकल सुविधा, सामान्य उपचार के लिए परिवार को 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की चिकित्सा सुविधा और गंभीर बीमारी के लिए 10,00,000 रुपए तक का इलाज इस बीमा योजना में उपलब्ध रहेगा। इससे अधिक की राशि के उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की विशेष अनुमति से सुविधा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के अतिरिक्त निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए योजना वैकल्पिक होगी। इस बीमा योजना के लिए 756.56 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बीमा योजना के लाभार्थियों से अंशदान के रूप में वेतन बैंड के अनुसार राशि निर्धारित होगी। अब 12.5 लाख कर्मचारियों को सेवानिवृत्त और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा 5,00,000 तक का हर वर्ष, और गंभीर बीमारी में परमिशन लेके 10,00,000 तक का उस परिवार को हमारी सहायता का लाभ मिलेगा। तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये एक बड़ी घटना हम मानते हैं इसको। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.